भाई एक मैंने तहरीर, इन्होंने मुझे मारा था पहले, मैंने तहरीर थाने में दे रखी है। इन लोगों ने आज उस तहरीर को वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए मेरे पर फायरिंग की है और काफ़ी गोलियां मारी हैं। मेरे कुछ इसमें छर्रे पर्रे भी लगे हैं, पता नहीं क्या चीज़ लगी है। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल में अर्जुन साहब की चलाई, मेरे ख्याल से 200 फायर हुए शायद, 15-20 तो हुए। किसने चलाई गोली? एक नदीम साहब है, एक वसीम है और एक और साहब देखो तौफीर है कोई, और बाकी लोगों को मैं जानता नहीं। आप पे चोटें आई हैं कहीं? जी। कितने फायर निकले? 15-20 फायर निकले। पुराना भी बात था आपका, परसों मारा था मुझे, नहीं 4 दिन पहले की बात है। अभी वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मारा था, पेशाब करने को मना कर दिया खुले में। एक चाय वाले को, चाय वाला जो होटल वाला है, उसे मना कर दिया भाई इधर खुले में मजा आ, टॉयलेट बने में इधर चले जाओ। उस बात को लेके ये लोग आए, पर तू कैसे रोकने वाला कौन होता है भाई, मेरे चैम्बर के भी जा रहे थे। इस बात को लेके इन लोगों ने मुझे मारा। उसके बाद आज दबाव बनाने के लिए कि भाई तू तहरीर वापस ले रहा है या नहीं, इस बात को लेकर आज मेरे पर फायरिंग कर दी। हाँ, आज अपराहन स्वार तहसील परिसर में वकीलों का कुछ झगड़ा हुआ जिसमें फायरिंग भी हुई। ये सूचना प्राप्त होने के बाद इसमें अभियोग दर्ज कर लिया गया है और कानून इसमें अपनी कार्यवाही करेगा। सर, कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है? नामजद उसमें 3 लोग हैं, जैसा शुरू में वो बता रहे थे। तहरीर देते समय उन्होंने कितना दिया और कुछ अज्ञात है। फाइनली तहरीर सामने आ जाएगी तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जितने नामजद हैं। सर, विवाद क्या था? विवाद इन लोगों में कोई 2 दिन पहले आपस में तो मैं बस्ते पे हुआ था। उसके बाद दोनों पक्ष शिकायत लेके आए और फिर दोनों पक्ष ने ही आपस में समझौता भी कर लिया। आज अचानक फिर इनमें लड़ाई हो गई और फायरिंग की भी सूचना आई। पुलिस मौके पे गई तो वहाँ जिस पक्ष पे आरोप था वो पक्ष गायब था। आरोप लगाने वाले पक्ष के जो अधिवक्ता थे उन्होंने इस तरह का तहरीर देकर के आप कार्यवाही की अपेक्षा की, वो कार्यवाही हम कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी